तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमर और स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल जो आप लोगों को हम वीडियो शेयर किए थे इस चैनल पे, आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किए हैं और हमको भी लग रहा है कि वो वीडियो थोड़ा बेहतरीन बन गया था। बेहतरीन कहने का मतलब बहुत सारे फोटेज का उसमें यूज किए थे, तो जितने लोगों का हम फोटेज यूज किए थे तो उन सबको दिल से धन्यवाद भाई। आप लोगों के वजह से ही वो वीडियो चल पाया। और आप लोग जो भी अपना वीडियो, जिस जिसका हम वीडियो यूज किए हैं उसमें, तो अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। तो उसका कहने का मतलब उसका जो भी होता है शॉर्ट आउट या आपका लिंक भी हम उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बोलिएगा उतना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और सुजीत भाई का भी उसमें थोड़ा बहुत फुटेज यूज किए थे, तो सुजीत भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका वो जर्नी हम थोड़ा बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश किए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगा, नहीं जाएंगे? अरे जाएंगे, हरिद्वार, हरिद्वार भी जाएंगे, ऋषिकेश भी जाएंगे और वहां का भी आप लोगों को वीडियोज दिखाएंगे। तो चले शुरू करें क्या? चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या लगा, नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे, एक बार बोल दिए तो जाएंगे तो जाएंगे। अभी हम भी बोल दिए तो जाएंगे, जैसे ही आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही अगर बना रहता है तो हम भी जाएंगे। हरिद्वार, केदारनाथ, ऋषिकेश, हर जगह जाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे। दोस्तों आप लोगों की बस सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट बना रहा तो ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और मैं बता दूं, ये अंकिता मेरे साथ। अभी वाह, हम बोले केदारनाथ तो इसको क्या यकीन नहीं हो सीन है रहा यार, था। क्या सीन है। अच्छा, अरे मैडम, मजाक करने की बात नहीं है, ठीक है। जब भाई बोल दिए जाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि जाने के बाद एक चीज होता है ना कि ट्रेवल करके जगह जगह जाके वीडियो बनाने का मजा कुछ जबरदस्ती होता है। और वैसे भी हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ भाई जगह ही बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर जाने की क्या बात। लोग रात को निकल जाता है, सुबह पहुंचता है, सुबह निकलता है, रात को पहुंचता है भाई। आप देखो, गाड़ी को पूरा एकदम अच्छे से वॉश वॉश करा के और बैग ये जाके मैं कैरियर लगा के लेके आया। यानी कि इतना सारा कुछ ले जाना पड़ता है। मान लीजिए अगर हम जाएंगे तो एक ट्रॉली में बस कपड़ा ले लिए तो उतना से नहीं हो पाएगा। मेन चीज है कि ये लोग बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं। कार से ट्रेवल करता तो कार में सारा कुछ आ जाता था, लेकिन बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं तो सारा कुछ रखना पड़ता है। बाय चांस कहीं पर अगर कैंपिंग भी करना पड़े, कहीं पर होटल में नहीं रुके, वहाँ पर यानी कि मंदिर के प्रांगण में या जहाँ पर लोग ठहरते हैं कैंपिंग करते हैं, तो वहाँ पर अगर कैंपिंग करते हैं तो वहाँ के लिए भी ये सारा चीज लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और और अभी भी यहाँ पे नींद जा रही अच्छा, है। अरे भाई कोई क्या हो गया, कोई टेंशन नहीं किसी बात की, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। पूरे हाईवे पे हाईवे खाली पड़ा पूरा हुआ है हाईवे खाली है और हम भाई। यहाँ पे अपनी बुलेट लेंगे यहाँ पे। अच्छा, अंकिता दीदी और सुहित भैया बुलेट पे सो गए हैं भाई। अंकिता दीदी वीडियो बना रही है, वाह क्या सीन है। यही सीन तो हम लोग देखने के लिए इतना टाइम से मर रहे थे। क्योंकि देखिए, आप लोग जो पार्क में वीडियो बनाते हैं, पार्क का वीडियो, और जो आप प्रॉपर जाके ब्लॉगिंग करते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो वो उसमें ज्यादा कुछ ज्यादा ही कंफर्ट रहता है, कुछ ज्यादा ही करने का मतलब इंटरेस्टिंग रहता है, मजेदार रहता है वो वीडियो। तभी तो पार्किंग पार्क वाला वीडियो में उतना ज्यादा लोग नहीं देखता है, लेकिन ट्रेवल करने वाला जो आप लोगों का वीडियो रहता है वो बहुत ज्यादा लोग देखता है। रीजन ही यही है, क्योंकि ट्रेवल में कोई बनावटी नहीं रहता है। हमारा नहीं बिस्तर बिच्छू का यहीं पे ही नींद पूरी हो रही है, देख सकते हैं। होटल, वो गाड़ी बहुत दूर तक चलाना पड़ा है ना, क्योंकि तभी जब स्टार्टिंग हुआ था तो सुजीत भाई बता रहे थे कि यहाँ से 250 किलोमीटर है, लगभग 5 घंटा 6 घंटा लगेगा, और 5 6 घंटा के बाद हम पहुँचेंगे ऋषिकेश, हरिद्वार। पार्क लोग किए थे तो हम भी कर दिए। अच्छा, सामान है हमारे, हेलमेट का टेंशन है, हेलमेट कहाँ रखेंगे, हेलमेट कहाँ रखेंगे, हेलमेट सब आदमी हैं, कोई गाड़ी में रखा हुआ है, कोई वो लोग तो लॉक किए हैं। सब आदमी हेलमेट को रख के गाड़ी को लॉक कर दिया है, तो सुजीत भाई आप भी गाड़ी को लॉक कर दीजिए तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं। की तरह हम लोग आ गए और सुबह सुबह सारे लोग नहा रहे हैं यहाँ, और ये पागल आगे आगे जा रही है। पागल नहीं है, अच्छी है। हरिद्वार, ये सीन हरिद्वार का है, जैसे हम तो गए नहीं है लेकिन
बहुत सारा वीडियोज देखे हैं, तो ये है हरिद्वार। और हरिद्वार मॉर्निंग में पहुंच गया है 5 बजे, लगभग 12 बजे इन लोगों का यात्रा स्टार्ट हुआ था और 5 बजे सुबह में ये लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार। और हरिद्वार में होगा स्नान, स्नान के बाद करने का मतलब पूजा, पूजा के बाद ये लोग फिर ट्रेवल करेंगे। चलिए अब पार्किंग चलते हैं ना। बे रुद्राक्ष निकलवाई है। अच्छा। एक अंकिता जो कि तीन मुख्य मिला, तीन मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को तो वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है और लोग पहनते हैं, गला में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। त्रिमुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष और पता नहीं कितना कितना मुख का रुद्राक्ष होता है। तो रुद्राक्ष की मान्यता है, बहुत ज्यादा मान्यता है। तो हम लोग और अभी यहाँ से निकलते हैं सीधे ऋषिकेश के लिए। तो हरिद्वार में इन लोगों की पूजा हो गई है और यहाँ से ये लोग जाएंगे ऋषिकेश। और ऋषिकेश में फिर वहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद निकलेंगे ये लोग केदारनाथ के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि ये वीडियो, क्योंकि हम कल जो वीडियो डाले थे तो बहुत लोग बता रहे थे कि भाई ये वीडियो 2-3 महीने पुरानी वीडियो है, ये लोग जब हरिद्वार गए थे, हरिद्वार से केदारनाथ गए थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो उसी टाइम की वीडियो हमको भी लग रहा है, क्योंकि केदारनाथ में अभी के टाइम में वीडियोग्राफी करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है। तो भले ही कभी का वीडियो हो, लेकिन जब भी पोस्ट, आदमी जब भी पोस्ट करेगा तभी समझ में आएगा। मान लीजिए हम आज वीडियो शूट कर दिए, 6 महीने के बाद पोस्ट करेंगे तो आदमी क्या लगेगा कि हम उस टाइम वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो वीडियो कब पोस्ट होता है ये मैंने रखता है, कब शूट होता है ये मैंने नहीं रखता है। तो आप लोगों को बताइए कि ये वीडियो आप लोग कैसे लगा, और इस वीडियो में जितना भी हम ड्रोन फुटेज यूज किए वो बताइए वो कैसा था। हम ट्राई किए हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन बनाने की, और वीडियो बेहतरीन हमको लगता है कि बना भी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सुजीत भाई का जो वीडियो हम लिए हैं तो उसका चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। नहीं तो सुजीत भाई का बहुत बड़ा चैनल है, उसको उसके नाम को सर्च कीजिएगा तो वो आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप उसके वीडियो को देख सकते हैं। ये लोग बहुत बेहतरीन वीडियो बनाते हैं, और जितने भी लोगों का हम फुटेज यूज किए हैं सबका चैनल का नाम हमको नहीं पता है। तो आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, अगर आप लोगों के पास वीडियो जाता है तो आप लोग कमेंट में आप अपने चैनल का नाम लिख दीजिएगा, तो हम सर्च करके और आपके चैनल का भी लिंक उसमें डाल देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।